हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है फिलिप्स कर्व। दोस्तों, फिलिप्स कर्व एक टॉपिक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुआ था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 1958, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स ने, जिनका नाम था A.W. फिलिप्स, एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिस आर्टिकल में उन्होंने प्रूफ कर दिया था, ये बता दिया था कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए, अगर हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल करना है, तो हमें इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, या इन्फ्लेशन को हमें इंक्रीज होने देना होगा। और अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ते रहने देना होगा। यानी इन दोनों को कभी भी एक साथ में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने यूके का अराउंड अराउंड 100 सालों का डेटा लिया। अगर डेट की बात करूं तो वो 1861, यानी 1861 से 1861 टू 1957, इन्होंने ये अराउंड अराउंड 100 सालों का या 98 सालों का डेटा लिया, जिस डेटा में ये पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ, ये बात सच है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा है इन फ्यूचर में, तो उसके काम की बात हो, कि उस आर्टिकल का नाम था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आर्टिकल का नाम था, और वो आर्टिकल भी मैं बताऊंगा, वो 1958 में A.W. फिलिप्स के द्वारा पब्लिश किया गया था इन इकोनॉमिका, ठीक है, जो यूके क्या की बात कर रहा हूं मैं, और ये डेटा भी यूके का है, ठीक है, ये डेटा भी यूनाइटेड किंगडम का ही है, जो अराउंड 100 सालों का है। और उस आर्टिकल का नाम था रिलेशन बिटवीन, ये लिख लीजिएगा, काम की बातें वाली, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन रेट ऑफ मनी वेजेस। तो ये आर्टिकल का नाम था जो उन्होंने बेसिकली लिखा था। और गाइस, फिलिप्स कर्व इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसको काफी सारे इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज भी करा। इवन काफी सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारा फिलिप्स कर्व का, क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम में आ जाए कि फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, तो जनरली फिलिप्स कर्व एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इट इज अ बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो इसको काफी सारे इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज भी करा। तो मैं आपको बता देता हूँ उनका क्रिटिसिज्म, कि वो ये मानते थे कि ये जो फिलिप्स कर्व होता है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, शॉर्ट रन में ही आपका डाउन स्लोपिंग होता है, और ये लॉन्ग रन में आते आते वर्टिकल हो जाता है, ठीक है, बट इन लॉन्ग रन इट बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। तो ये दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे ये आर्टिकल कब आया था, किसने लिखा था, उस आर्टिकल का नाम क्या था, फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, वो डेटा कब से कब तक का लिया गया था, किसका डेटा लिया गया था, यूके का डेटा लिया गया था, फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, और शॉर्टर फिलिप्स कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व कैसा होता है, वर्टिकल। देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली, कि ऐसा नहीं था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप इनवर्स पहली बार A.W. फिलिप्स ने बताया था। इनसे पहले भी जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप था, लेकिन उसका अगर आप एवरेज निकालो तो वो जीरो निकल के आता था। यानी कभी ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होता था, तो कभी ये नेगेटिव होता था, कभी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप इंक्रीजिंग पर होता था, कभी डिक्रीजिंग पर होता था। मान के चलो, एक तरह का वेव डायग्राम बनता था इसके अंदर, लेकिन अगर आप उस वेव डायग्राम का एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो वो जीरो निकल के आएगा, लेकिन वो चीज यहाँ पे साबित नहीं होती थी। यहाँ पे सीधा था कि आप एक्सपेक्टेशन भी निकाल लो, तब भी वो इनवर्स रिलेशनशिप ही होगा।
सबसे काम की बात यह है कि हमें यह समझना है हमारी फिलिप्स कर्व में कि कैसे फिलिप्स कर्व की मदद से हमने वेजेस में हेल्प ली, यानी वेज डिसाइड करने में हमने हेल्प ली, और कैसे फिलिप्स कर्व हमारा डिराइव होता है एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से। क्योंकि जब भी हम फिलिप्स कर्व को ड्राइव करना चाहते हैं तो फिलिप्स कर्व को डिराइव करने के लिए हमें एग्रीगेट सप्लाई की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेज सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन की हेल्प से हमने एएस बनाया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्योर क्लासिकल के अलावा जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जिसने भी शॉर्ट रन का एएस बोला, क्योंकि हम लोग अगर शॉर्ट रन का फ्लिप कर बोल रहे हैं तो शॉर्ट रन का एएस भी बोलेंगे, तो शॉर्ट रन का जो एएस होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो टेक्निकली जब शॉर्ट रन का एएस अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एएस का रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड आउटपुट, और आउटपुट कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट से मैच करता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप ही प्रूफ होगा। तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है जो कि अब हम शुरू करेंगे हल्के हल्के। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, छोटा सा ओवरव्यू, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं सिंपली द डेरिवेशन ऑफ एएस से, ठीक है? तो शुरू करते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है आप प्लीज इसको छाप तो लीजिए। बेटा थोड़ा सा पुराना वाला डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने जब ए एस रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ए एस रिलेशन मतलब एग्रीगेट सप्लाई रिलेशन। तो बेटा उस टाइम में बेटा ये किस किन चीजों पे डिपेंड था, मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ चीजें। ए एस रिलेशन था बेटा बेसिकली वाई द फंक्शन ऑफ, उस वहां पे क्या था, रीडिंग्स क्या कहती है वो एक बात अलग है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। पहले जो पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के वाई द फंक्शन ऑफ पी, एंड सिमिलरली बेटा इन डायरेक्टली वाई इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? देखो अगर प्राइजेस में चेंज आता तो प्राइजेस बेटा ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। एंड बेसिकली वाई को आप इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट में, और एम्प्लॉयमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब इधर उधर चीजें करके। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ए एस रिलेशन को आप रीराइट कर दो, बेसिकली इफ यू रीराइट द ए एस रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटा? यानी अगर अपने ए एस रिलेशन को थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज कर करा के और फिर उसको इन्फ्लेशन, एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर देते हो, देन आपका फिर कुछ अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस अलग कंसेप्ट का नाम अभी नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है? बट हाँ, कुछ चीजें बेटा चेंज होने लग जाएंगी। अब छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, छोटा सा आइडिया समझना बेटा। ये प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस का म्यू फंक्शन ऑफ 1 माइनस का वाई बाय एल कॉमा जेड। ये बात समझ में आती है बेटा मेरी आपके? यानी प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस का म्यू एफ ऑफ 1 माइनस का वाई बाय एल कॉमा जेड। बेटा ये फंक्शन हो गया हमारा इधर, गॉट इट? नाउ अब इसको अगर थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूं, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस का म्यू फंक्शन ऑफ यू कॉमा जेड, ऐसे भी बेटा मैं लिख सकता हूँ। यानी मैंने इस चीज को यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, हमको पता है कि हमारा जो रिलेशन ड्राइव्ड हुआ था वो ASWPS से ड्राइव्ड हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि बेटा ये जो डेरिवेशन हुई थी बेटा कहाँ से हुई थी, ये WS से हुई थी एंड बेटा PS से हुई थी, शायद आपको पता होगा, वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है बेटा? अब उन्होंने क्या करा, अगर आप वेज सेटिंग रिलेशन की बात करो बच्चा, ठीक है, वेज सेटिंग रिलेशन, तो आपको शायद पता होगा वेज इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस फंक्शन ऑफ यू कॉमा जेड, याद आया कुछ? ये फंक्शन था बेटा। पहले क्या था कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन में गिवन था, मतलब एफ यू कॉमा जेड गिवन था, ठीक है, चैप्टर नंबर 6-7 तक, जो हमारा ब्लैंचार्ड का लेबर मार्केट का था। अब इन्होंने क्या करा, मतलब ऑथर ने ये जो एफ यू कॉमा जेड है इस चीज को फर्दर ड्राइव कर दिया, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्राइव किया इन्होंने बेटा, इसको ड्राइव किया, दैट इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस का अल्फा यू प्लस का जेड, समझ रहे मेरी बात? यानी उन्होंने इसको इस तरीके से ड्राइव कर दिया कि फंक्शन का सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट का फंक्शन पर इनवर्स रिलेशनशिप हो और कैचुअल वेरिएबल्स का बेटा
बेसिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप हो वहां पर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन बन गया हमारा एफ यू कॉमा जेड, जो फंक्शन है इज इक्वल टू 1 माइनस का अल्फा यू, यू मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्लस जेड। ठीक है बेटा। नाउ अब बात आती है कि सर व्हाट इज अल्फा हेयर। तो बेटा अल्फा जो है, अल्फा मेजर्स इफेक्ट्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अल्फा मेजर्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन द नॉमिनल वेज। नॉमिनल वेज पर अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट बताता है अल्फा। ठीक है बेटा। अब पॉइंट क्या है, फ्रॉम दिस लेकिन बेटा मेरे साथ में यहाँ से थोड़ी सी स्टेटमेंट पर फ्रॉम दिस फंक्शन इट फॉलोज दैट हायर विल बी द वैल्यू ऑफ कैच ऑल वेरिएबल। रिपीट कर रहा हूँ, इट फॉलोज दैट हायर विल बी द वैल्यू ऑफ कैच ऑल वेरिएबल कॉमा हायर विल बी द वेज। ठीक है बेटा। नाउ लिखना अगली लाइन में, सब्सटीट्यूट दिस फंक्शन इन ए एस रिलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सब्सटीट्यूट दिस फंक्शन इन ए एस रिलेशन वी गेट, देखा ध्यान से देखना, वी गेट पी इज इक्वल्स टू, हेलो सो पी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस का म्यू 1 माइनस का अल्फा यू प्लस का जेड। ठीक है बेटा। आपने क्या करा, जो पुरानी वाली वैल्यू थी पर वहां पे पुट कर दिया आपने, इसकी जगह बेटा यहां पे एफ ऑफ यू कॉमा जेड था। नाउ टेकिंग, बेटा नोटिंग करिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेकिंग टाइम पीरियड। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे टाइम पीरियड ले लो सबस्क्रिप्ट में, दैट मीन्स ये हो गया पी टी, पहले पी था अब पी टी ले लो इसको। ठीक है बेटा, पी टी एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस का म्यू 1 माइनस का अल्फा यू टी प्लस का जेड। गॉट इट, इतनी बात समझ में आती है बेटा आपको मेरी। अब बेटा इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय पी टी माइनस वन। ठीक है बेटा, दोनों साइड पी टी माइनस वन से डिवाइड कर दो, इसका मतलब हो जाएगा बेटा पी टी अपॉन में पी टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ टी अपॉन में टी माइनस वन 1 प्लस का म्यू 1 माइनस का अल्फा यू प्लस का जेड। ठीक है बेटा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इतनी बस समझ में आती बेटा आप लोगों को मेरी। ये जेड है, ठीक है। उसके बाद बेटा, अब बेटा देखो ऑथर ने रीडिंग में इस चीज को अपेंडिक्स में सॉल्व किया है, बट आपको इस चीज को लिख देना डायरेक्ट। ये जो हो गया आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है बेटा, यानी जो बेसिकली अगर आप, चलो एक बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पी टी माइनस का पी टी माइनस वन अपॉन में पी टी माइनस वन, ठीक है। और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है बेसिकली पी ई टी माइनस का पी ई टी माइनस वन अपॉन में पी टी माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, ठीक है बेटा, पी ई टी माइनस का पी टी माइनस वन अपॉन में पी टी माइनस वन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको,
ये हो गया पी टी अपॉन में पी टी माइनस वन माइनस का वन, ये हो गया एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू पी ई टी अपॉन में पी टी माइनस वन माइनस का वन। ठीक है बेटा, इतने मैसेज में आते हैं आप लोगों मेरी, तो आप इसको लिख सकते हो बेसिकली वन प्लस दिस अपॉन में ये पी टी माइनस वन, सिमिलरली इसको वन प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन में पी टी माइनस वन। ठीक है बेटा, गॉट इट, इनको थोड़ा सा लेबल टाइप कर दो ध्यान से। ठीक है, बात समझ आती बेटा इतनी मेरी आपको? ओके नाउ, अब बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन वन। कौन सी इक्वेशन बेटा? ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यूज? ये वैल्यू और ये वैल्यू, अच्छा ये ई होगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को बेटा उठा के यहां रख दो इसकी जगह पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेटा इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कराया था, तो क्या निकल के आया? वन प्लस का इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू वन प्लस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वन प्लस म्यू एंड वन माइनस का अल्फा यू प्लस का जेड। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया वन प्लस का टी अपॉन में वन प्लस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंटू वन प्लस का म्यू। ठीक है बेटा, विच इज इक्वल्स टू वन माइनस का अल्फा यू प्लस का जेड। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा ये रीडिंग्स ने ऑथर ने, मैं फिर भी थोड़ा ड्राइव अगर इसको कर भी दूंगा ना बेटा, समझना, ऑथर ने इस वैल्यू को अपेंडिक्स में सॉल्व करके इस वैल्यू को सिमिलर बोला है किसके, वन प्लस इन्फ्लेशन माइनस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का म्यू। ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूँ, ऑथर ने इस फॉर्मूले को अपेंडिक्स में सॉल्व करा है और उसको इस तरीके से लिखा है, ये हो गया वन प्लस का इन्फ्लेशन माइनस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का म्यू। ठीक है बेटा, यानी इसके जगह बेटा आप ये रिप्लेस कर दो। ठीक है, जल्दी से रिकॉर्ड रिप्लेस, मैं भी करता हूँ इसका रिप्लेस बेटा, मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ये था हमारा वन माइनस का वो वन प्लस का एक्सपेक्टेड या नॉर्मल इन्फ्लेशन माइनस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का म्यू इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू इज इक्वल्स टू वन माइनस का अल्फा यू टी प्लस का जेड। बेटा टी लगाते ना, टी हर जगह लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी बेटा यहाँ पे टी लगेगा। कोरिट बेटा, इतनी बात समझ में आती है आपको मेरी? नाउ यहाँ से ही कैंसिल आउट बेटा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया एकदम से। क्या क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा टी माइनस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का म्यू इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा यू टी प्लस का जेड, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, ये हो गया इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का अल्फा यू टी प्लस का म्यू कॉमा जेड। ठीक है बेटा, अब बताओ ये क्या बन गई? दिस इक्वेशन इज नोन एज बेसिकली फिलिप्स कर्व। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आप बन गई फिलिप्स कर्व। बाकी इसमें और इंपॉर्टेंट बेसिकली तो आपने एक रिलेशन बनाया, अभी फिलिप्स कर्व थोड़ी देर में आएगा, बट हाँ ये ही फिलिप्स कर्व को एक्सटेंड करेगा। गॉट इट, इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? अच्छे से एक बार देख लो क्या क्या किया है हम लोगों ने। हमारे पास बेसिकली बेटा, अच्छा मैंने वो नहीं चेंज किया था ये बेटा, चलो मैं एक बार बता देता हूँ इधर, यहाँ से देखना बेटा। यहाँ बेटा हमारे पास में ये रिलेशनशिप था ए एस रिलेशनशिप ही वाला, फिर हमने क्या करा, ये जो ये वैल्यू थी ना इसको फिर हमने ऐसे कन्वर्ट किया, ऑब्वियसली बात है यहीं से यहाँ पर गए थे एफ यू कॉमा जेड, और एफ यू कॉमा जेड को मैंने ये लिखा बाय ऑथर सजेशन। देन उसके बाद में इस वैल्यू को बेटा मैंने अगेन पुट कर दिया नॉर्मल फंक्शन के अंदर। फिर मैंने क्या करा, सब पे पहले टाइम ले लिया, सब पे टी लगा दिया जितनी जगह थी बेटा, फिर मैंने डिवाइड किया टी माइनस वन बोथ साइड, फिर मुझे पता लगा इन्फ्लेशन का फॉर्मूला ये होता, फिर मैंने इसको डिनोमिनेटर अलग अलग किया, देन फाइनली मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई। उसके बाद बेटा मैं इन दोनों को इसके अपॉन में ले आया और रीडिंग ने ऑथर ने अपेंडिक्स में सॉल्व करके बेटा इस चीज को ये लिखा है। ठीक है बेटा, जब ये वैल्यू मैंने इसकी इक्वेट करी तो बेटा यहाँ से आप देखें ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, एंड कैंसिल आउट होने के बाद में मुझे फाइनली अमाउंट मिला, दैट इज इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का अल्फा यू
प्लस का म्यू, बेटा ये म्यू है, म्यू मतलब मार्कअप, म्यू प्लस का जेड, गॉट इट बेटा? ये बात समझ में आती है आप लोगों मेरी अच्छे से? नाउ अब बात आती है बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है बेटा, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिलेशन। चलिए लिखिएगा बेटा सबसे पहला पॉइंट, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिलेशन लिखिए, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज इन, लीड्स टू इंक्रीज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन, लीड्स टू इंक्रीज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन। बेसिकली मान लो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ा, जिससे कि ऑब्वियस ही बात है मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब अगर कल को कोई कहता है इकोनॉमिस्ट भाई कल को महंगाई आने वाली है, तो कल के प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, और जैसे कल का इन्फ्लेशन, कल का प्राइस बढ़ेगा वैसे बेटा वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ते ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ती बेटा प्राइस बढ़ेगा, एंड प्राइस बढ़ते बेटा इन्फ्लेशन आज ही बढ़ जाएगा, यानी जो इन्फ्लेशन बेटा कल बढ़ना चाहिए था वो इन्फ्लेशन आज ही बढ़ गया बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती मिली आप लोगों को, वॉट इट? चलिए जी आगे बात करते हैं बी पॉइंट, बी पॉइंट बेटा लिखिएगा, गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन मार्कअप, एंड इंक्रीज इन मार्कअप और कैच ऑल वेरिएबल, और कैच ऑल वेरिएबल leads to increase in actual inflation, leads to increase in actual inflation, मैं बड़े repeat कर रहा हूँ, leads to increase in actual inflation, got it बेटा? देखिए ऐसे मान लीजिए मार्कअप बढ़ा, मार्कअप बढ़ते ऑब्वियसली बात है आपकी प्राइस बढ़ेगा गुड्स के, जैसे प्राइस बढ़े बढ़े इन्फ्लेशन बढ़ गया आज का, और जैसे हमने बोला ना गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन मार्कअप और कैच ऑल वेरिएबल, तो मार्कअप से इन्फ्लेशन बढ़ा, और ऐसे ही बढ़े जब कैचुअल वेरिएबल बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है वेजेस बढ़ती हैं, वेज बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, एंड कॉस्ट बढ़ता है तो बेटा प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है तो बेटा अपने आप इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है बेटा, बात समझ में मेरी आप लोगों को अच्छे से? नाउ थर्ड पॉइंट लिखना साथ में, गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, ठीक है बेटा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो बेटा क्या होता है, मार्केट में जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती है तो बार्गेनिंग पावर कम होती है एम्प्लॉयज मतलब वर्कर्स की, और जब उनके बेटा बार्गेनिंग पावर कम होती है ना तो बेटा अपने आप वेजेस कम हो जाती है, और जैसे वेजेस कम होती है ना तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम होने लग जाती है, कॉस्ट कम होती है बेटा प्राइस कम होने लग जाता है, और प्राइस कम होता है तो बेटा इन्फ्लेशन भी अपने आप कम होने लग जाता है, ये बस समझ में आती बेटा आप लोगों को मेरी, वॉट इट? ओके ओके बेटा, नाउ एक छोटे से हेडिंग लिखना, दैट इज फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व इज एन इनवर्टेड फॉर्म ऑफ ए एस कर्व, ठीक है बेटा, फिलिप्स कर्व इज एन इनवर्टेड फॉर्म ऑफ ए एस कर्व, बेटा देखो ए एस रिलेशन क्या था, ए एस रिलेशन वो था पी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस का म्यू फंक्शन ऑफ 1 माइनस का वाई बाय एल कॉमा जेड, ठीक है बेटा, अब इस पर आपने डायग्राम बनाया, ये जस्ट हाइपोथेटिकल समझ लेना बस, ज़्यादा इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं, ये आउटपुट और ये प्राइस बेटा, दिस इज योर ए एस, अब जरा इधर आ जाओ, बिल्कुल अलग लाइन कर दो, फिलिप्स कर्व क्या होता है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस का अल्फा यू प्लस का म्यू कॉमा जेड,
अब आपने अगर बेटा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखा, यहाँ पे इन्फ्लेशन रखा, तो अभी के लिए जस्ट ये मान लेना कि अगर ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ वी हैव अ प्रूफ, हम लोग बेटा इसको प्रूफ भी करेंगे, पर ये बात समझ लेना कि फिलिप्स कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड यू होता है ऑफ एफ रिलेशन, ठीक है बेटा।